वेलकम, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टे विद मी में और मैं हूं आशीष शुक्ला। आज हम चर्चा करने वाले हैं अखिल भारतीय रोजगार मिशन की क्या चीज़ है, क्या बला है, इससे हमें नौकरी मिलने वाली, क्या होने वाला, सारी चीज़ें हम इसकी डिटेल में देखने वाले हैं। तो बने रही मेरे साथ शुरुआत से अंत तक। एक ज़रूरी सूचना, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विदाउट एनी डिले यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि क्या हो, जैसे ही मैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर भर्ती से रिलेटेड और एक सप्ताह में एक करेंट अफेयर्स का वीडियो डालता हूँ। और एक खुशखबरी की बात बताऊँ कि कुछ ही दिनों में आपके जो फेवरेट चैनल है स्टडी विथ मीमी, इसकी एक वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, तो आप उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो आप बने रहिए तब तक यूट्यूब चैनल पर ही। तो अखिल भारतीय रोजगार मिशन क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैंने कई जगह इसका देखा है, आज इसके वीडियोज वगैरह मैंने देखे कई जगह यूट्यूब वगैरह में। तो उसमें क्या है कि ऐसा लिख रखा कि भाई एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, जॉब पक्की। ये क्या है, सिर्फ आपको जॉब सर्च में सहायता देगी। जैसे कि आप किसी भी भारत के जिले में रहते हो, हर जगह एक समायोजन कार्यालय होता है। समायोजन कार्यालय क्या होता है, कुछ दिनों पहले ऐसी बात चली थी कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह किसी किसी को मिलेगा, अभी तक बातें होती रहती हैं। तो उसके लिए क्या करते थे, जाके आप जिले के जो ऐसे जिसे समायोजन कार्यालय कहते हैं वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, जब बेरोजगारी भत्ता अगर आना होता तो वहीं से ट्रांसफ़र होता था। तो उसी तरह की जॉब सर्च में सहायता देगा, आपसे ये सारी डिटेल ले लेगा, आप कक्षा 10 पास हो, आपकी उम्र इतनी है, आपने इस चीज़ में कक्षा 10 किया है और इस राज्य के इस जिले के रहने वाले हो। तो ये क्या करेगा, आपकी फिर जीमेल आईडी सब कुछ आपके ले लिया, पता, घर का पता वगैरह। तो ये मिशन क्या करेगा, जैसे ही कोई भर्ती आई, मान लीजिए आईएएस की भर्ती आई, तुरंत आपको क्या करेगा, एक जीमेल पर नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई आईएएस की भर्ती आ गई है, पीसीएस की भर्ती आ गई है, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई भर्ती आ गई है। तो ये सिर्फ आपको एक जॉब सर्च में फ़ायदा देने वाला, आपको नौकरी मिलने की कोई गारंटी इसकी नहीं है। देखिए, मैं साफ साफ लिखा हुआ दिखा दूं आपको। मिशन हैव ए गोल ऑफ हेल्प 7 लाख पीपल, ये देखो 7 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का इनका औचित्य है। वैल्यूएबल कैंडिडेट जॉब सर्च, ये देखिए साफ शब्दों में इन्होंने लिख रखा है, मिशन हैव ए गोल ऑफ 7 लाख वैल्यूएबल कैंडिडेट जॉब सर्च, मतलब 7 लाख लोगों को नौकरी ढूंढने में सहायता प्रदान करना। बात समझ गए आप, आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि फला फला चीज़ में वैकेंसी आ रखी है गवर्नमेंट में, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर लें, इसकी अंदर की बात मैंने आपको बता दी। देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय रोजगार मिशन एक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित मिशन है, जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, सभी को रोजगार, देश का हो विकास, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मिनिमम कक्षा 10 मांगा गया है, 10 हो, 12 हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, चुने हुए उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान करवाया जाएगा। वर्ष 2018-19 में मिशन 7 लाख उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करवाने में सहायता करेगा, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन वगैरह ये लोग देते रहेंगे टाइम टाइम पे, जैसे ही कोई भर्ती वगैरह लॉन्च होती है, ठीक है। और इसमें निःशुल्क जो है ना, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना, आपको मैं आपको नीचे बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। और इन्होंने जो डाल रखा है कि आप एसएससी, मतलब कि अगर आप कक्षा 10-12 पास हैं तो आपके लिए करीब करीब ये इतनी पोस्ट लेके आएंगे, और आपकी जो सैलरी रखेंगे वो 10,000 से 20,000 के बीच में रखी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इतनी पोस्ट की वैकेंसी 2018-19 में लेके आएंगे और इतनी आपकी तनख्वाह होगी 15,000 से 40,000 रुपये पर महीने की, ठीक। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इतनी पोस्ट की वैकेंसी लेके आएंगे और 25,000 से 65,000 आपकी तनख्वाह होगी। ये वेबसाइट में अखिल भारतीय रोजगार मिशन द्वारा कहा गया है, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वैसे भी इसका रजिस्ट्रेशन कर लो, इससे क्या होगा कि समय समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी वगैरह मिलती रहेंगी। और डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, तो कहीं कोई डाउट हो, शंका हो, समाधान चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, हम आपके लिए हमेशा तत्पर उत्सुक हैं आपकी सहायता के लिए, ठीक है। तो हमने इसकी डिटेल चर्चा कर ली। अब आपको कहीं क्या करना, अगर ऑनलाइन आवेदन करना, और कर लो ऑनलाइन आवेदन कर लो, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। और आपसे क्या मांगा गया, इसमें आपका नाम, पता, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है, आप किसी भी ऑनलाइन में डाल के अपनी कुछ चीज़ें डाल दो उसमें और भर दो। एक रिज्यूम क्या होता है कि जैसे आप प्राइवेट जॉब वगैरह में जानते तो रिज्यूम की ज़्यादा जरूरत पड़ती, सरकारी में खरे से नहीं पड़ती, लेकिन जो आप प्रवेश एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो वही एक तरह का रिज्यूम होता है। रिज्यूम में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, तो आप एक रिज्यूम बना के इसमें अपलोड कर दीजिए। और वो भी इन्होंने मैंडेटरी नहीं कर रखा है, लेकिन आप रिज्यूम वगैरह बनाकर अपलोड करें तो इन्हें आसानी होगी आपको जॉब का नोटिफिकेशन भेजने के लिए, ठीक है। और आपको आवेदन कैसे करना है, आपको यहाँ क्लिक हियर कर देना है। और जैसा कि इसमें मेरे पास थोड़ा स्लो डाटा है तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब जैसे ये पेज खुलेगा तो इसमें यही मांगा है, नाम, पता आपका, ये सारी चीज़ें, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे मांग ली जाएंगी, ठीक है। तो ये देख लो,
मिनिमम सैलरी वगैरह आपकी कक्षा 10 पास है तो 10,000 के आसपास, 12 पास तो 15,000, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इतनी सैलरी वगैरह आपको मिलेगी। देखिए क्या मांगा गया, नाम मांगा गया आपका, ईमेल आईडी, सिटी, मोबाइल नंबर और रिज्यूम, और बस इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। आपका काम हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो और अखिल भारतीय रोजगार मिशन के बारे में आपको समझ में आया होगा ये एक्चुअल चीज़ क्या है। तो अगर कोई अभी भी डाउट लग रहा हो, शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे मिल सकते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।